हेलो दोस्तों, हेरॉन के सूत्र यानी हेरॉन्स फॉर्मूला के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हेरॉन के सूत्र पर चर्चा की और कुछ प्रश्न हल किए। आज हम चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हेरॉन के सूत्र का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम हेरॉन के सूत्र का उपयोग कर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जिनकी तीनों भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात हो। लेकिन क्या हम इसका उपयोग अन्य बहुभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए भी कर सकते हैं? क्या हम इन बहुभुजों को त्रिभुजों में विभाजित कर सकते हैं? जी हाँ, यदि हम चतुर्भुज का एक विकर्ण बनाएं तो हमें दो त्रिभुज प्राप्त होंगे। अब इन दोनों में हेरॉन का सूत्र का उपयोग कर इनका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और उनके योग से हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम इस पंचभुज को तीन चतुर्भुजों में और इस षटकोण को चार चतुर्भुजों में विभाजित कर सकते हैं। और अगर इन सभी आकृतियों के विकर्ण और भुजाओं के माप हमें ज्ञात हैं, तो हेरॉन के सूत्र का उपयोग कर हम इन सभी आकृतियों के क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस सत्र में हम केवल चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हेरॉन के सूत्र का अनुप्रयोग करेंगे। अब चलिए एक प्रश्न लेते हैं। दोस्तों, हमें समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण BD बराबर 18 सेंटीमीटर और ABCD का परिमाप 60 सेंटीमीटर दिया गया है। यह भी बताया गया है कि AB BC के दो गुना हैं और हमें समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों, बताइए हम कैसे शुरू करेंगे? यहाँ हमें सभी भुजाओं के मापों की आवश्यकता है, तो सबसे पहले हम इस समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाओं का माप ज्ञात करेंगे। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी AB बराबर CD और BC बराबर DA होगा। चलिए इसे समीकरण 1 कहते हैं। हमें समांतर चतुर्भुज का परिमाप भी दिया गया है, यानी AB धन BC धन CD धन DA बराबर 60 सेंटीमीटर। इसे समीकरण 2 कहते हैं। समीकरण 1 का उपयोग कर हम समीकरण 2 को इस प्रकार लिख सकते हैं। हमें AB धन BC बराबर 30 मिलेगा। हमें दिया गया है कि AB 2 BC के बराबर है। हम समीकरण 3 में AB के स्थान पर 2 BC लिख सकते हैं। इस प्रकार हमें BC का माप 10 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, क्योंकि AB बराबर 2 BC है, यानी AB बराबर 20 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि AB बराबर CD है, इसीलिए CD का माप भी 20 सेंटीमीटर होगा और BC DA के बराबर है, इसीलिए DA भी 10 सेंटीमीटर होगा। अब हम इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्योंकि हमें इसकी ऊंचाई की कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसीलिए हम यहाँ आधार गुणे ऊंचाई इस सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, यानी इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। यदि हमें इनमें से किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाए, तो हम इसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए दोगुना कर सकते हैं। तो चलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हेरॉन के सूत्र का इस्तेमाल कर निकालते हैं। हेरॉन का सूत्र है करणी में S, कोष्टक में S-A, S-B, S-C। हम A बराबर 20 सेंटीमीटर, B बराबर 18 सेंटीमीटर और C बराबर 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं और अब अर्ध परिमाप यानी S ज्ञात करते हैं। यहाँ अर्ध परिमाप 24 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अब हम S-A, S-B और S-C का मान ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल को हम इस तरह लिख सकते हैं।
और इसे सूत्र में प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ हमें इनका गुणनफल करने की जगह इन संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। इस प्रकार त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल होगा 24, करणी में 14 वर्ग सेंटीमीटर। और अब हम इसका मान इस समीकरण 7 में प्रतिस्थापित कर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हमें समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 48, करणी में 14 वर्ग सेंटीमीटर मिला। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने हेरोन के सूत्र का अनुप्रयोग करते हुए चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। अगले सत्र में हम इससे संबंधित और भी दिलचस्प प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।